आज हमारे साथ हैं फखरुद्दीन। फखरुद्दीन हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के स्टूडेंट हैं और फखरुद्दीन के साथ एक अच्छी बात यह है कि इनको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिली है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो आई आपकी कौन सी कंपनी है जिसमें आपका प्लेसमेंट हुआ? मिक्सर कंपनी, मिक्सर मीडिया से कंपनी नेम है। उन्होंने स्काइप पे 30 मिनट्स बाद स्टार्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा। उन्होंने 30-45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला सर। देन उन्होंने एक टेस्ट लिया मेरा 10 क्वेश्चन का। उन्होंने कहा था कि ये 10 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस में आपके नॉलेज के बारे में हम देखते हैं कि आपका कैसा नॉलेज है। आप ये 10 क्वेश्चन आपको ये रेगुलर रखना है और उसमें 10-8 क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए थे। तो उसमें सर मैं पास हुआ। देन मेरे से गूगल फॉर्म भरा था। उसमें मेरे को कहा कि आपको ये इसमें देखना होगा कि आप कैसे करते हो, लाइक आपके पास पीसी है खुद का, आपके पास राउटर है, अगर लाइट चली गई तो आपके पास बैकअप है, आपको आपको है ना 10-5 PM तक हमारी ड्यूटी रहनी चाहिए। हम जितने भी आपको असाइनमेंट देंगे उन 5 PM से 1 आवर पहले आपको असाइनमेंट सबमिट हमें सारा करना पड़ेगा क्योंकि 5 के बाद ऑफिस क्लोज हो जाती है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम में एक चीज जो आ जाती है वो ये कि हमारे पास सिस्टम हो, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्लस बैकअप भी हो। अगर लाइट चली गई तो आप ये बहाना नहीं बनाइए कि आज तो लाइट ही नहीं थी, आज तो इंटरनेट ही नहीं था। तो इस तरह के अगर बहाने बनाए तो वर्क फ्रॉम होम सक्सीड करता नहीं। सो इसी की वजह से आई थिंक उन्होंने आपसे ये सब डेटा लिया होगा। तो ये तो फखरुद्दीन का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है। इनके बारे में मैं ये जानता हूँ कि जब ये स्टेन ज्वाइन किए थे राजस्थान से आए और राजस्थान से आ करके इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लगाया नासिक में स्टेन में और फिर वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब आपका प्लेसमेंट हो गया, कैसा लग रहा है ये पूरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा है। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं नासे आऊँ, प्लेसमेंट मिल जाएगी। तब मैं स्टडी अभी कंटिन्यू स्टडी है मेरी चल रही है क्योंकि राजस्थान में हमारे बहुत स्टडी के मामले बहुत वीक है राजस्थान। तो मैंने सोचा कि महाराष्ट्र आके थोड़ा सीखे। ये देखिए, राजस्थान के बारे में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वीक है। एक्चुअली में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के चीजें हर तरफ थोड़ी सी यू नो अनबैलेंस्ड हैं। कहीं किसी सिटी में ज्यादा है, कहीं किसी सिटी में बहुत ही कम। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी पहुंचाना हमारा स्टेज में एक मिशन है और इसी पे हम लोग लगे हुए हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयर भी करें। उसके जब आप सीख रहे थे डिजिटल मार्केटिंग तो सीखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? समझ में आती थी चीजें क्लास में? बहुत समझ में आती थी। आप जो पढ़ाते थे बहुत समझ में आते थे। असिस्टेंट सर, ओंकार सर थे, उनके उनकी हेल्प से मैं बहुत था। अगर कुछ मेरे से एरर हो जाता, कुछ मैं मिस्टेक हो जाती थी, बहुत होती मिस्टेक, तो वो सर थे थोड़ी हेल्प में हेल्प करते थे, वो सॉल्व कर देते थे सिर्फ 1 मिनट में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा और मुझे बहुत सीखने, आपकी सीखने की वजह से मेरे प्लेसमेंट लगी। हम लोगों का भी पढ़ाने में एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपके साथ में। आप रेगुलर थे, बीच में आपने ब्रेक भी लिया तो आपने इन्फॉर्म किया था कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ यहाँ पे। सो उससे कम्युनिकेशन से चीज़ें इम्प्रूव करती हैं, एक रिलेशन जो बिल्ड होता है। एंड फ्रॉम ऑल टीम मेंबर्स फ्रॉम स्टेंज, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कीप डूइंग वेल, कीप लर्निंग।